सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादित्वे तापत्रय उपस्थित सभी भगवतियों को मेरा सहृदय नमन एवं जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम जानते हैं विष्णु नंदन श्रृंगार द्वारा ये अष्ट दिवसीय अष्टभाव का उत्सव का श्रेय जा रहा है और जो आयोजन श्री गोवर्धनधर प्रभु ने नंदन भैया को माध्यम बना के किया है ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है।
आज के जो पंचम दर्शन में श्री ठाकुर जी के भोग के दर्शन और भोग के दर्शन में चतुर्भुज दास जी जो है मुख्य कीर्तनकार है और गोकुलनाथ जी जो हमारे चतुर्थ गद्दी में विराजमान है उस स्वरूप को मुख्य माना गया है और मुख्य श्रृंगार जो है वो सहरे का माना जाता है और लीला जो है वो अन्नकूट की लीला है विष्णु और नित्य लीला में गोकरण का नित्य लीला में विशाल सखा का स्वरूप है चतुर्भुज दास जी का और विमला सखी का स्वरूप निकुंज के अंदर में है और रुद्रकुंड के ऊपर में चतुर्भुज दास जी का निवास है। सबसे पहले चतुर्भुज दास जी के जीवन चरित्र को समझने के लिए हमको कुमन दास जी के जीवन में पुनः प्रवेश करना पड़ेगा क्योंकि चतुर्भुज दास जी जो है ये कुमन दास जी के ही पुत्र है। कुमन दास जी के 5 पुत्र पहले से थे परंतु वो कभी ये मानते नहीं थे कि मेरे कोई पुत्र है क्योंकि वो शिला जी की सेवा से जुड़े हुए नहीं थे तो वो मानते ही नहीं थे कि ये मेरा परिवार है और मन में बड़े उदास रहते थे। तब उनको एक बार पूछा गया कि आप शिनाथ जी के सन्मुख की सेवा मिली है प्रभु की राग की सेवा मिली है फिर भी आप उदास क्यों रहते हो तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मेरे को सत्संग का अभाव हो रहा है इसी के कारण मैं उदास हो रहा हूं। तो मुझे स्वयं श्री जी के दर्शन हो रहे हैं लीला का सानुभव हो रहा है फिर सत्संग मुझे सत्संग का मतलब होता है नॉट इंफॉर्मेशन विष्णु गेटिंग इन्फॉर्म विथ समथिंग इज नॉट सत्संग। कुमन दास जी ने यहां सत्संग के प्रकार को बहुत अच्छे से हमको समझाने की कोशिश की बोले स्वयं गोवर्धन धर की लीला का अनुभव दर्शन हो रहा है पर उस लीला की गहराई में अगर मुझे प्रवेश करना है क्योंकि प्रभु की लीला अति गहरी है और इस लीला में प्रवेश करने के लिए मुझे उन भगवतियों का संग चाहिए कि जो प्रभु के साथ निरंतर रमते हैं और उनके साथ जब चर्चा की जाती है तो चर्चा करते करते भगवतियों के अंदर से प्रभु विराजकर प्रियाजी विराजकर कौन सी लीला का वर्णन कर देते हैं ये पता नहीं चलता है तो उस लीला का रस का आस्वादन और भी बढ़ जाता है और उसमें प्रवेश सहजता से मिलता है। तब आचार्य चरण ने जब ये बात सुनी कि इस प्रकार चतुर्भुज दास जी के मनोरथ है तब आचार्य चरण ने उनको आशीर्वाद दिया कि जहां तेरे घर बहुत भगवदीय पुत्र का जन्म होगा और आप श्री के आशीर्वाद आचार्य चरण ने खुद ने जो आशीर्वाद दिए विष्णु उसकी तो कहनी क्या। एक बार कुमनदास जी को लेकर शिनाथ जी बोले चलो आज सब हम ब्रज में जाएंगे किसी ब्रज की गोपी के घर में माखन चुराने के लिए और सब ग्वाल बाल और कुमनदास जी मिलकर माखन चुराने के लिए ब्रज की गोपी के घर में गए और ठाकुर जी ने ग्वाल बालों को घोड़ा बनाया और उसके ऊपर चढ़ के आप छींके को उतारने गए और जैसे ही आप श्री उस छींके तक पहुंचे शिनाथ जी बाबा तो उनकी धोती धीरे से ढीली पड़ गई। अब दो हाथ छींके में और प्रभु की धोती लांग ढीली पड़ गई। तब शिनाथ जी ने दूसरी दो भुजा प्रकट करके अपनी धोती को संभाल लिया। तो शिनाथ जी बाबा ने कुमन दास जी को उस समय चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन दिए और माखन चोरी करके सब निकले वहां से और जैसे ही शिनाथ जी के मंदिर में पहुंचे श्री गोसाई जी ने उनको पूछा कि क्यों कुमन दास जी आपको चतुर्भुज दास जी के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हुए कि नहीं।
तो बोले महाराज आपकी कृपा से शिनाजी बाबा ने चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन दिए हैं। और जैसे ही ये बात गुसाई जी को बता रहे थे कुमनदास जी, इतने में कोई ने आके खबर दी कि कुमनदास जी के घर में पुत्र का जन्म हुआ है, और उसी वक्त उनका नाम चतुर्भुज दास रखा गया, क्योंकि जिस समय चतुर्भुज दास जी के दर्शन हुए उसी पल तुरंत ही उनका जन्म हुआ। प्रभु ने चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन दिए और इधर उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। तो इस प्रकार चतुर्भुज दास जी का नामकरण किया गया विष्णु। और जैसे आचार्य चरण के आशीर्वाद थे हूबहू उसी प्रकार के परम भगवदीय स्वरूप चतुर्भुज दास जी का विष्णु। एक समय श्री विट्ठलेश प्रभु चरण बड़े आनंद में विराजमान थे, तब चतुर्भुज दास जी जाकर उनको विनती करके दंडवत करते हैं कि प्रभु एक मनोरथ है दास के मन में, गोवर्धनधर के दर्शन तो नित्य प्रति हो रहे हैं, परंतु गोवर्धनधर स्वामिनी जी के साथ में विराजे ऐसे दर्शन आप कृपा करो तो मिलेंगे। तो श्री गोसाई जी मुस्कुरा दिए विष्णु, और बात को कुछ समय निकल गया। चतुर्भुज दास जी की सेवा जो थी श्रीनाथ जी की कीर्तन के अलावा, वो गिरिराज जी की तरहटी में पुष्प बीनते थे रोज श्रीनाथ जी की माला जी के लिए। तो एक दिन कुछ अति ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ज्यादा जल्दी उठकर नींद खुल गई और पुष्प बीनने की सेवा में चले गए, और पुष्प बीनते 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 कब गिरिराज जी की कंदरा में प्रवेश कर गए भीतर ही भीतर, और सुंदर पुष्प मिल रहे हैं, और सुंदर पुष्प मिल रहे हैं। तो वो उनको कोई ज्ञान नहीं रहा कितना समय निकल गया क्या हो गया, पुष्प बीनते जा रहे हैं, और एक जगह में जाकर अचानक देखते बहुत तेज पुंज प्रकट हो रहा है। तब उनको ये क्या हुआ, ये मैं कहाँ आ गया, और तब जाकर उनको प्रिया प्रियतम के दर्शन हुए। उस समय उन्होंने गाया पद गोवर्धन गिरी सघन कंदरा रहन निवास कियो पिए प्यारी। अब ये पूरी जो लीला है विष्णु, इससे हम वैष्णवों को क्या संकेत, क्षमा चाहता हूं वैष्णव, वो नेटवर्क इशू हो गया इसलिए थोड़ा सा एक कनेक्शन डिटैच हो गया। तो ये पूरी लीला जो श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी को दर्शन करवाए, इससे हम वैष्णव को क्या प्रभु संकेत देना चाहते हैं कि पुष्प जो है ये निर्गुण ब्रज भक्तों का स्वरूप है विष्णु, और इन वैष्णवों को का संग अगर हमें चाहिए, अगर उनको हम अपने जीवन में उनसे कुछ पाना चाहते हैं, तो जैसे पुष्प को बीनने के लिए हमको झुकना पड़ता है विष्णु, तो ऐसे रसिक भक्तों तक अगर हमको जीवन में पहुंचना है तो हमारे अहंकार को झुकना सीखना होगा विष्णु। जब तक हम हमारे अहंकार को दीनता में परिणित नहीं करेंगे, तब तक प्रभु कहते हैं ऐसे रसिक भक्तों को मैं तुम्हारे जीवन में दर्शन नहीं करा सकता। क्योंकि अभी जो हमारा स्वभाव है, एक साधारण मनुष्य का जो स्वभाव होता है, उसके अंदर में अहंकार की मात्रा, इच्छाओं की मात्रा, वासनाओं की मात्रा कुछ ज्यादा होती है, और इन वासना और विकार के कारण स्वभाव के अंदर में एक कठोरता भी होती है और कर्कशता भी होती है। और प्रभु कहते हैं तुम मेरे साथ किसी भी प्रकार से बर्ताव कर दो, उसको मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि आचार्य चरण ने मेरे को हाथ पकड़ाया है। परंतु किसी वैष्णव का अपराध तुमसे हो जाएगा, वो भी ऐसे रसिक जनों का, तो वो अक्षम्य हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं जब तक पात्रता जीवन में नहीं आएगी, ऐसे रसिक स्वरूपों को मैं तुम्हारे जीवन में तुमको अनुभव या दर्शन करने का सौभाग्य नहीं दे सकता। यह चतुर्भुज दास जी को निमित्त करके ठाकुर जी हमको दिखा रहे हैं कि जो निरंतर प्रभु की माला में पधारते हैं ऐसे निर्गुण ब्रजभक्त की, जो प्रभु के हृदय से लिपटे रहते हैं, ऐसे भक्तों का संग अगर हमें चाहिए जीवन में, तो सबसे पहले हमको जीवन में हमारे अहंकार को छोड़कर झुकना सीखना होगा। और ये ब्रजभक्त जो निर्गुण ब्रजभक्तों को
वो चतुर्भुज दास जी पुष्प रूपी निर्गुण वंश भक्तों को जब बीन रहे थे, उनका संग करते 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 उनके संग के द्वारा ही गिरिराज जी की कंदरा में प्रवेश मिला है। यहाँ ये संकेत शिनाजी बाबा हमको देते हैं कि ये रसिक भक्त जो होते हैं, इनका जब हमको संग मिलता है, यही हमको शिनाजी प्रिया प्रीतम की निकुंज की लीला की तरफ धीरे धीरे आगे लेके जाते हैं। अब जब हम पुष्प बीन रहे हैं विष्णु, तो क्या वहां जमीन पर केवल पुष्प ही होंगे? क्या वहां कांटे कंकड़ पत्थर नहीं हो सकते हैं? जरूर होंगे, क्योंकि वो तो एक बगीचा है। तो लेकिन हम उस कांटे की तरफ देखते हैं, उस कांटे में अपना कंसंट्रेशन देते हैं, या सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन पुष्प में होता है, कांटे और कंकड़ और पत्थर से अपने आप को सावधान रखते हैं? विष्णु, इसी तरह जीवन में हमको खास करके जब भी हम कभी भी प्रभु हमको अपने धाम में नाथ द्वारा ब्रज इत्यादि में बुलाए, तो वहां प्रभु की कौन सी विपरीत लीला चल रही है, इसको केवल उतना ही जानना चाहिए कि मैं इसमें इन्वेस्टेड ना हो जाऊं, इसका चिंतन न हो जाए, क्योंकि अगर मेरे को कहीं चोट लगेगी कांटे की, तो मेरे को कांटे के प्रति अभाव आएगा। तो मेरे को लक्ष्य से जाना है कि मैं प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूं, प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूं, और प्रभु के रसिकों को मिलने जा रहा हूं। बस इतना सा मकसद लेकर अगर हम ब्रज में या श्रीनाथ द्वारा जाएंगे, तो श्रीनाथ जी हमको उस ऐसे रसिक भक्तों का संग स्वतः कर। परंतु क्या परिवर्तन हो गया, पहले ऐसा था अब ऐसा है, ये वाणी का दोष करने के लिए अगर हम ब्रज में जाएंगे या नाथ द्वारा जाएंगे, तो हमारा लक्ष्य श्रीनाथ जी है ही नहीं। जब श्रीनाथ जी हमारा लक्ष्य है ही नहीं, तो हमको श्रीनाथ जी अपने जनों से क्यों मिलाएंगे? हम श्रीनाथ जी से मिलने जा रहे हैं, हम ब्रज में श्री यमुना जी श्री गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, महाप्रभु जी के झारिशन स्पर्श करने जा रहे हैं, या प्रभु कौन सी विपरीत लीला कर रहे हैं उसको देखने जा रहे हैं? जब तक हमारे भाव के अंदर में ये स्थिति न बने, विष्णु मैं मेरा ये अभिप्राय है, हमको धाम से दूर रहना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि गांठ का खोके तो नहीं आए हो ब्रज में जाके, कम से कम जो थोड़ा बहुत भाव ब्रज के प्रति, प्रभु की लीला सृष्टि के प्रति है, वहां जाकर अगर हमारे में ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है प्रभु की विपरीत लीला को पचाने का, तो हम दोष लेके आएंगे और उल्टा जो भाव था वो भी खो जाएगा। तो चतुर्भुज दास जी की इस लीला के माध्यम से हमको श्रीनाथ जी ये संकेत देते हैं कि इस रस के मार्ग में चलोगे तो रास्ते में कांटे कंकड़ पत्थर भी मिलने वाले हैं, परंतु तुम्हारा लक्ष्य रसिक जन होना चाहिए। अब जब अगर मेरा लक्ष्य ही रसिक जन है, तो कांटे कंकड़ दिखेंगे क्यों? मेरे को कैसे सावधान रहना, और मेरे को उनसे नहीं उलझना, न उनको मेरे से चोट लगे, न मेरे को उनसे चोट लगे, बस एक सेफ डिस्टेंस के साथ जो भी कार्य करना है करके निकल जाना विष्णु। पर लक्ष्य रसिकों, चर्चा और चिंतन रसिकों के साथ करनी और रसिकों के विषय में करनी विष्णु, तब जाकर हमको प्रिया प्रियतम के निकुंज के रहस्य को ये रसिक जन हमको वो सौभाग्य देंगे, वो चर्चा करेंगे और उस स्थिति तक ले जाएंगे कि कैसे प्रिया प्रियतम के निकुंज की रहस्य लीला का पान और दर्शन किया जा सकता है। चतुर्भुज दास जी का और एक प्रसंग बन गया कि श्रीनाथ जी की सेवा में नित्य प्रति चतुर्भुज दास जी जाते थे, और फागुन महीने में सप्तमी के दिन उस समय गुसाई जी परदेश पधारे, तो श्रीनाथ जी बाबा बोले गिरधर जी आदि बालकों को कि आपने सदघरा बनाया पर मुझे तो कभी दिखाया नहीं। गिरधर, आपने अपना घर बनाया मथुरा में पर मुझे नहीं दिखाया, तो मैं जाना चाहता हूं। तब श्रीनाथ जी बाबा की विनती के कारण सारे बालक ने ये तय किया कि अपने श्री जी को पधरा कर मथुरा सदघरा में ले जाते हैं, और श्रीनाथ जी को पधरा के
मथुरा सतघरा में ले गए, उस दिन फागुन सुदीय सप्तमी थी विष्णु शिनाजी का पाटन से। और थोड़ा चतुर्भुज दासी के प्रसंग से ये हटकर बात है, परंतु बड़ी सुंदर लीला चल रही है तो उस लीला को भी स्पर्श करते हैं कि शिनाजी जब मथुरा अचानक सतघरा में पधारे और प्रभु इतने आतुर थे, शिनाजी इतने आतुर थे गिरधर जी के घर और परिवार को मिलने के लिए कि प्रभु सीधे उतरे और उतरकर गुलाल की बोटली लेकर सीधे अंदर चले गए और जितनी बहु बेटियां थी सबको रंग दिया उस समय, और भारी खेल हुआ और खूब ठाकुर जी खेले और खूब सब समाज को खिलाए। सातों बालक के परिकर को शिनाजी बाबा ने खूब खिलाया, शिनाजी को उन्होंने खूब रंगा विष्णु। इस आनंद के बाद में बोले कि प्रभु को बहुत जोर से अब राजभोग की त्वरित गति से भोग आना चाहिए। तो बोले पर अब तो सामग्री तो आधी सिद्ध हुई है, बाकी कब होगी? तो शिनाजी बोले क्या क्या तैयार है? बोले सखड़ी तैयार है और चून सना हुआ है। तो बोले दूध को सखड़ी में पधरा दो और जल्दी जल्दी पूरी उतार कर उसमें बूरा पधरा कर उसको लपेट कर घर मंडा। तो इसी भाव से शिनाजी को सप्तमी के दिन, शिनाजी के पाठोत्सव के दिन कई सामग्री अरोकते, पर खीर और खरमंडा शिनाजी निश्चित रूप से अरोकते हैं। ये मुख्य सामग्री खीर खरमंडा की मानी जाती है, क्योंकि गिरधर जी के यहां जाकर पहली सामग्री ठाकुर जी खीर खरमंडा की अरोकते थे। तत्पश्चात इधर से जब ठाकुर जी मथुरा पधार गए, चतुर्भुज दास जी जब दर्शन करने के लिए गए तो देखते मंदिर में प्रभु नहीं विराज रहे और उनके मन में बहुत ताप हुआ कि प्रभु के दर्शन कैसे होंगे। चतुर्भुज दास जी की लीला को अपन एक बार के लिए विश्राम देते हैं। इसके बीच में जो अन्नकूट का स्वरूप है विष्णु, कि अन्नकूट का स्वरूप क्या है? हमारे यहां अन्नकूट में चार प्रकार की सामग्री वल्लभ संप्रदाय में अरोगाई जाती है ठाकुर जी को, दूध घर, अन्न सखड़ी, फल फूल सखड़ी। विष्णु अन्नकूट के अंदर में चार प्रकार से सामग्री अरोगाई जाती है। दूध घर जो है तामसी व्रज भक्तों के भाव से, अन्न सखड़ी राजसी व्रज भक्तों के भाव से, फल फूल सात्विक व्रज भक्तों के भाव से, और सखड़ी जो है वो निर्गुण व्रज भक्तों के भाव से। प्रमाण प्रमेय साधन फल, ये चार दशा बताई कि चार स्थिति होती है विषय। कभी विषय मिला, समय मिला तो जरूर इसका चर्चा चिंतन प्रभु फिर से नंदन भैया को माध्यम करके कराएंगे, परंतु इसको स्पर्श करते हैं कि सखड़ी जो है विष्णु, जब चावल कच्चे होते हैं तो दोनों तरफ वो नुकीले होते हैं, अर्थात वो चावल की उत्पत्ति केवल जल से होती है विष्णु, अर्थात निर्गुण से सगुण तो बना परंतु अहंता और ममता रूपी दो नोक आ गई उसके अंदर में विष्णु। ये चावल में दोनों तरफ नोक होती है, निर्गुण से हम भी निर्गुण निराकार से हम सगुण बने हैं विष्णु, परंतु ये अहंता ममता के कारण हमारे में ये दो कांटे आ गए। अब इस कांटे से निवृत्ति कैसे मिले? तो ये विरह की अग्नि और श्री यमुना जी का प्रेममयी संग, ऐसे निर्गुण भगवतियों का संग, श्री यमुना जी के यूथ के भगवतियों का, उनके यूथ के भक्तों का संग और विरह की अग्नि, इस ताप को अनुभव करने के लिए ऐसे रसिकों के संग में रहना पड़ेगा विष्णु, तभी जाकर श्री महाप्रभु जी का स्वरूप जो शुद्ध अग्नि तत्व बोला गया है, ये साधारण अग्नि, ये तत्व वाली अग्नि नहीं है विष्णु, ये साक्षात प्रिया जी का स्वरूप जो निरंतर विरह की अग्नि में विराजमान है विष्णु। निरंतर कैसी विरह में प्रिया जी विराजती है? तो कि श्यामा श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम भैरी, अपनी सखिन सो पूछत श्यामा श्यामा जू कित गईरी। इतनी विरह में श्यामा जू विराज रही है कि श्यामा श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम भैरी। तो कि श्री राधे कृष्ण कृष्ण रटते रटते खुद कृष्णमयी बन गई और अपनी सखी से पूछ रही है कि राधे कित गईरी,
इस प्रकार प्रभु के स्वरूप में डूब गए कि अपने आप को भूल गए और पूछ रहे राधे कहाँ है मेरे, कृष्ण तो यहां है पर राधे किधर है कृष्ण। ये होती है विरह की स्थिति। तो कि उन चावल को जब विरह की अग्नि में रसिकों के संग में रहेंगे तब विरह की अग्नि मिलेगी हमको वैष्णव। विरह का दान इतना सहज नहीं है, और विरह का मतलब कोई दुख करना उद्वेग करना नहीं है। वी इज फॉर विषय एंड रह इज फॉर एकांत। इन विषयों से परे जाना ये विरह है वैष्णव। केवल रोने से विरह का प्रतीका ये प्रतीक नहीं होता कि बहुत विरह में है। जिस भक्त को विरह का दान प्रभु देते हैं उसकी आसक्ति विषयों से हट जाती है, और विषय में सबसे बड़ी आसक्ति होती है प्रपंच में विष्णु, अपने अहंकार में, अपनी ममता में, और इन दो से आसक्ति छूटना यह है विरह का दान प्राप्ति होने का प्रमाण विष्णु। उन चावल को उस तप्त जल के अंदर में, ऐसे तपे हुए जो भक्त है उनके अंदर उस चावल को जब पधराया जाता है और उस चावल को उस ताप तपे हुए भगवतियों का संग मिलता है, तब जाकर वो चावल कोमल बन जाते हैं विष्णु। वो नोक की जो कठोरता थी वो ऐसे रसिक भगवतियों के संग रह के रस को पी पी कर वो कठोरता कोमलता में परिणित हो गई विष्णु। इस भाव से सखड़ी को निर्गुण माना है, और अत्यधिक ये केवल चावल का भोग नहीं है विष्णु, ये हमारी अहंता ममता की कठोरता को रसिकों के संग में रहकर अपने आप को तपा तपा कर अपनी कठोरता और अपनी जो नेगेटिविटी है अहंता ममता रूपी कांटों से निवृत्ति पाना और दीनता और कोमलता में इनको परिणित करना, ये सखड़ी का स्वरूप है विष्णु। ये केवल चावल का ढेर नहीं होता है विष्णु। जब इंसान में अकड़ होती है तो वो बहुत ही तन के खड़ा होता है, परंतु जब वो अपने आप को इस अकड़ से, अपने अहंकार से निवृत्त करता है तभी उसमें दीनता आती है। वो ढेर होकर प्रभु के चरणारविंद में अपने आप को समर्पित करता है कि नाथ मैं आपको समर्पित, और इस स्थिति को पाने के बाद में उनके ऊपर शिखर गुंजा पधराए जाते हैं जिसमें चारों आयुध है। प्रभु कहते हैं कि जिसको जो इस प्रकार रसिकों के संग में रह रहकर अपनी कठोरता को, अपनी अहंता ममता के कांटों से निवृत्त हुआ है, उनके जीवन में, उनके विचारों के अंदर में मैं अपनी चारों शक्तियां, जो मेरे चारों सामर्थ्य है, उन चारों सामर्थ्य को उसके अंदर पधराता हूं। और इतना ही नहीं, केवल मेरे सामर्थ्य नहीं, उस केशर रूपी श्री स्वामिनी जी के भाव से उसको पूरा मैं अभिषेक करा देता हूं, कि स्वामिनी भाव का दान देता हूं। और इतना ही नहीं, उसके पश्चात तुलसी की माला अर्थात आचार्य चरण के द्वारा उसको ब्रह्म संबंध फलीभूत होता है, प्राप्त तो हो गया। जो ब्रह्म संबंध आचार्य चरण ने दिया वो आचार्य चरण की आज्ञा अनुसार, जो षोडश ग्रंथ में आज्ञा की है, उस प्रोसेस से जो निकलता है उसके बाद उसको फलीभूत होता है, और वो तुलसी की माला इस भाव से धराई जाती है। ये साधारण सखड़ी, साधारण शिखर गुंजा, साधारण केसर या साधारण तुलसी की बात नहीं है, ये साक्षात अध्यात्म की बात है। एक स्थिति की बात बताई गई है यहाँ पर कि एक जीव किस प्रकार इस अहंता ममता से अपने आप को निवृत्त करके प्रभु के लायक बने कृष्ण। ये इस प्रकार की सखड़ी अरोगानी कृष्णा जी को बात है, ये दाल चावल की बात नहीं है यहाँ पे कृष्ण। तो अब पुनः अपन चतुर्भुज दास जी के स्वरूप में प्रवेश करें, उसके पहले जो आज का मुख्य श्रृंगार है सहरे का विष्णु, पर किसी कारण से मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास मेरे प्रभु का सहरे का श्रृंगार अभी उपलब्ध नहीं है, तो उसके बदले में आज अपन अन्नकूट की जो लीला है तो उससे संबंधित गोकर्ण और कुल्हे का श्रृंगार जो प्रभु को धराया जाता है उसका दर्शन करते हैं और उसके विषय में थोड़ा चिंतन करते हैं। विष्णु ये है कुल्हे
और ये पीछे जो लाल रंग का है ये गोकर्ण है, और ये नीचे हार और ये हांस माला। अब इसका स्वरूप का अपन भावात्मक स्वरूप का चिंतन करते हैं। कृष्णा जी साल में दो दिन ऐसे महामहोत्सव होते हैं जिस दिन कृष्णा जी जो छड़ी अपनी कटी से चरण तक धराते हैं वो उस दिन अपने कटी से ऊपर ले लेते हैं विष्णु। वो है एक तो कांजगाई वाले दिन दिवाली के दिन, और एक जिस दिन होली प्रगटती है, मंगली स्थिति है, उस दिन डोल के अगले पहले वाले दिन। ये दो दिन ठाकुर जी छड़ी ऊपर लेते हैं, क्यों? कि उस दिन अनंत 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 ब्रजभक्त पधारते हैं विष्णु। और कोई संजोग से बहुत निकट पहुंच गया, कोई थोड़ा दूर खड़ा है, उसको डर लग रहा है कि मैं थोड़ा दूर हूं, मैं निकट पहुंच पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे प्रभु पे शंका नहीं है पर मुझे मेरे स्वभाव पे शंका है कि मेरे स्वभाव में अभी भी गुण दोष निंदा स्तुति भरे हुए हैं और अभी मैं दूर हूं प्रभु से, और कहीं ये स्वभाव मेरे पे हावी हो गया और मैं प्रभु के सन्मुख हो गया पर निकट नहीं जा पाया, श्रीअंग का स्पर्श नहीं मिला, तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। वहां श्रीनाथ जी छड़ी को ऊपर उठा के उसको दिखाते, तू चिंता मत कर, अब जब तू मेरी शरण में आ गया है तो तेरे प्रारब्ध तेरे कर्म तुझे कोई कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो भी आएगा उसके लिए मैंने छड़ी रखी है। उसका प्रमाण गोपाल दास जी आख्यान में देते हैं, इन काल कर्म नव बांधे रे यम ते शिर धनुष न सांधे रे। ये भाव से दो दिन प्रभु छड़ी ऊपर धराते, क्योंकि अनंत अनगिनत जितने ब्रजभक्त सब पधारते हैं और उनको निर्भयता अभय का दान देते हैं श्रीनाथ जी छड़ी को ऊपर धरा के विष्णु। और जो गोकर्ण धराते हैं प्रभु, वहां कहते हैं कि सबसे ऊपर भक्ति जो है वो श्रवण भक्ति है, इंद्रियों में सबसे ऊंची भक्ति पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। तुम क्या सुन रहे हो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, पर वाणी सुन रहे हो तो वाणी कैसे सुन रहे हो, कितनी आतुरता से कितने उसमें आसक्त होकर प्रवृत्त होकर सुन रहे हो वाणी को, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या सुनने के लिए सुन रहे हैं, कुछ जानने के लिए सुन रहे हैं, या हम जो जानते हैं उसको भूलने के लिए सुन रहे हैं? विष्णु वाणी इसलिए सुनी जाती है कि अभी तक मैं जितना जान रहा हूं इस संसार के प्रपंच को, उस प्रपंच को भूलने के लिए वाणी को सुनी जाती है, इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी बुद्धि को मेधावी बनाकर और अहंकार की मुझे तो ये सब पता है, तो वाणी का कोई हमारे ऊपर असर नहीं हुई। अब थोड़ी सी रसात्मक लीला की बात करते हैं कि प्रभु को हार धराया जाता है, इसका निकुंज लीला का स्वरूप क्या है विष्णु? प्रिया जी एक बार मान करके विराज गए और मान रहे रहते, और इधर प्रभु बहुत सुंदर उस दिन रस से सराबोर थे और बहुत सुंदर आभूषण इत्यादि धारण करके पधारे थे कि आज प्रिया जी को मैं दर्शन कराऊंगा और अपने हाथ से प्रिया जी का भी श्रृंगार करूंगा, परंतु प्रिया जी मान नहीं रहे थे तो ठाकुर जी ने अपने सारे श्रृंगार बड़े करके थाल में पधरा दिए, और थोड़ी देर में प्रिया जी को ललिता जी मनाकर पधरा के लेके आए और प्रभु के दर्शन किए कि प्रभु ने एक भी आभरण नहीं धारण किए हैं, तो प्रिया जी ने अपने हाथ से प्रभु को श्रृंगार धराने प्रारंभ किए। इसका बहुत सुंदर पद है, मान छूट गयोरी निरखत मोहन वदन। ये सारा मान कहां गया? तो कि प्रभु का मुखारविंद को देखते ही मान विस्मृत हो गया। अब धीरे धीरे जब प्रभु को श्रृंगार धरा रहे पर प्रभु अंदर से बहुत अनमने से थे, प्रभु बड़े अनमने विराज रहे थे विष्णु, तो सारे श्रृंगार धराते 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 जब एक आभरण लेके प्रभु के कंठ में प्रिया जी धराने गए तो प्रभु प्रिया जी को ऐसे देख रहे हैं मानो रंक महानिधि पाई। ये पर्टिकुलर शब्द कुंज एकादशी की संध्या आरती की धमार में है विष्णु, अरिचल नवल किशोरी गोरी भोरी होरी खेलन जाए, उसमें ये पंक्ति आती है, ऐसे मोहन धाये आए मानो रंक महानिधि पाए। तो कि प्रभु प्रिया जी को ऐसे देख रहे हैं जैसे निर्धन को धन मिला, और प्रभु का इतना मासूम सा मुखारविंद देखकर प्रिया जी के मुखारविंद में इतनी समर्पण की भावना आ गई कि वो बोले नहीं आज से मैं कभी मान नहीं करूंगी। उन्होंने अपने
इस हठ की हार मान ली, और वो जब धरा रहे थे अपने हठ को प्रिया जी ने प्रभु के श्रीकंठ में धराया कि आज मेरे सारे हठ की हार हुई और प्रभु आपके प्रेम की जीत हुई। इस भाव से इस आभरण का नाम हार पड़ गया कि प्रिया जी ने अपने हठ को हारा है कि प्रभु आज से मैं कभी भी आपको आपके सामने मान नहीं करूंगी। हालांकि निकुंज में रोज मान है फिर से, क्योंकि रस का वर्धन है, परंतु इस आवरण का नाम हार इसलिए पड़ा क्योंकि उस दिन प्रिया जी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित की है विष्णु। अब फिर से पुनः अपन चतुर्भुज दास जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं कि उधर जब चतुर्भुज दास जी को दर्शन नहीं हुए श्रीनाथ जी के, तब उन्होंने बहुत सुंदर पद गाया। हो जिनको भी कोई श्रृंगार पधराने हो देखने हो, मेरे को आज एक दो फोन आए जिसमें से एक नाम भी मैं बोल सकता हूं, इट्स नॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट, मैं नहीं ये स्कीम की तरह मैं नहीं बोल रहा हूं, फैक्ट है, मैं नाम भी बोल सकता हूं, एक सरोज जी बोल के हमारे कलकत्ता के हैं, उनका फोन आया मेरे पास कि भैया ये जो नंदन श्रृंगार है इसके ये क्या हम यहां से कुछ खरीद भी सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल, मेरे को प्रोसेस नहीं पता है। फिर मैंने नंदन भैया से बात की, वो बोला गूगल के ऊपर में नंदन श्रृंगार बोल के हमारी साइट है भैया, उसमें हमारी सारी डिटेल्स है। तो विष्णु किसी को भी श्रृंगार संबंधी कोई भी जिज्ञासा हो तो वो नंदन श्रृंगार गूगल में ये साइट है, उसमें जाकर उनसे सारी डिटेल्स ले सकते हैं
और इसके अलावा भी सपोज करिए किसी को साइट ऑपरेट करनी नहीं आती है तो अपना फोन नंबर अभी जो अपना सत्संग चल रहा है उसमें डाल दे और कह दे कि मुझे श्रृंगार संबंधी कोई जिज्ञासा है, इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करें प्लीज, तो कर दिया जाएगा। उसी प्रकार कल कुछ वैष्णव ने कीर्तन के लिए भी अपने नंबर डाले थे, मैंने कोशिश की उनको फॉरवर्ड करने की। आज भी किसी को भी कोई पद चाहिए जिसकी चर्चा हो रही है तो प्लीज आप अपना फोन नंबर अपडेट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी पद मेरे पास हो वो उस वैष्णव तक पहुंचाए जाए। तो वैष्णव यहां पर ये जो चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं बात हिलग की कासो कही है, तो सबसे पहले हिलग का मतलब क्या है, ही का मतलब है दिल और लगा, तो कि जो दिल की लगी होती है ना विष्णु वो हमारा खुद का दिमाग नहीं समझ सकता है तो दूसरा क्या समझेगा विष्णु, हमारा खुद का माइंड इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है। विष्णु दिल और दिमाग भगवान ने दोनों का पर्पस ही अलग दिया है, जब हमारे दिल की बात हमारा दिमाग मानने को तैयार नहीं होता है तो हमारे दिल की बात और कोई कैसे समझ सकेगा, मानना तो पीछे की बात है विष्णु। इसलिए चतुर्भुज दास जी क्लियर कह रहे हैं सुनरी सखी व्यवस्था या तन की समझ समझ मन चुप कर रही है। यहां पर चतुर्भुज दास जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि चुप रहना है पर कैसे समझ के, सप्रेस होकर नहीं, दमन करके चुप नहीं रहना है, समझ के चुप रहना है कि ये दिल की बात केवल और केवल श्रीनाथ जी ही समझ सकते हैं। जैसे हम भी किसी की दिल की बात नहीं समझ सकते, हमारे दिल की भी बात कोई नहीं समझ सकता है। अगर कोई हरे कोई दिल की बात एक दूसरे की समझने लग गए तो सबके सब अंतर्यामी हो जाएंगे, अंतर्यामी एक हमारे गोवर्धन धर है। इसलिए वैष्णव हम भी किसी के दिल की बात नहीं समझ सकते, हम भी नहीं समझ सकते हैं न कोई समझ सकता है, ये अरस परस की बात है। ऐसा नहीं है कि हमारे दिल की बात कोई नहीं समझ रहा है बोल के हम अपने आप को महान मान ले, हम भी नहीं समझ सकते हैं किसी के दिल की बात, क्योंकि दिल की बात के लिए केवल एक अंतर्यामी गोवर्धन नाथ खुद बना हुआ है विष्णु। तो जो हृदय की बात होती है वो केवल श्री जी तक की जाती है विष्णु, उसके अलावा बोलेंगे उसका मान नहीं रह सकता है क्योंकि समझ सकता ही नहीं है कोई। इसलिए चतुर्भुज दास जी बोले समझ के चुप रहना है, सप्रेस होके नहीं, दमन करके नहीं, अभाव लाके नहीं कि ये मेरे श्री जी के लिए बात है। अपन बोलते ऐसी वस्तु प्रभु को अंगीकार करानी चाहिए जिसकी दृष्टि, इस पर किसी की दृष्टि ना पड़ी हो, सामी भुक्तम समर्पणम, जब अभी किसी ने देखा भी ना हो तो वो मन की बात ऐसी होती है जो बुद्धि भी नहीं समझ सकती है ना देख सकती है, वो बात को भाव शुद्ध भाव बोला जाता है और उसको श्रीनाथ जी तक पहुंचाया जाता है वैष्णव। हम बोलेंगे इसको गुप्त रखो, कोई किसी को उजाड़ के बोल भी देंगे तो भी कोई समझ नहीं सकता है क्योंकि प्रभु को अपनी वस्तु को बचाना आता है विष्णु। उसके बाद कह रहे हैं मर्मी बिना मर्म को जाने यह उपहास जान जिए सही है। जो मर्मी होगा जो अनुभवी होगा विष्णु उसको हम एक शब्द बोलेंगे हमारी आंखें देख के वो बोल देगा हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। जो मर्मी होगा उसको शब्द की आवश्यकता नहीं है और जो अनुभवी नहीं है उसके सामने आप कितनी भी पोथी पढ़ लो उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला है विष्णु। दोनों ही स्थिति में समझदार से बात किए या ना समझ से बात करें दोनों ही में मौन ही सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि विष्णु समझदार को शब्द की आवश्यकता नहीं है, वो आंखें देखकर अनुभव कर लेता है कि कौन सी बात की जा रही है और किस स्थिति की बात की जा रही है, और ना समझ के सामने कितना ही बोल दो तो उसको समझ नहीं आने वाला, इसलिए वहां भी शब्द की आवश्यकता नहीं है। यहां इसलिए कह रहे मर्मी बिना मर्म को जाने यह उपहास जान जिए सही है। विष्णु इस मन को ये समझ लेना, ये उपहास समझ के सह लेना, ये जब तक हमको अनुभव नहीं हुआ हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। आज विष्णु हम प्रभु की लीला को कितना समझ पा रहे हैं, जो भगवतीय लोग जिस कक्षा में बैठकर जिस लीला की बात कर रहे हैं, आज ये अष्टछाप में एक एक पद लिखे उसकी गहराई में हम कितने प्रवेश कर पा रहे हैं विष्णु। एक शब्द में भी अगर बैठ जाए लेकर, केवल एक शब्द किसी कीर्तन का लेकर बैठ जाए तो शायद एक दो दिन पूरे निकल सकते हैं। हम उस शब्द के अर्थ तक को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेवा को नहीं समझ रहे हैं, पुष्टिमार को नहीं समझ रहे, वो ठाकुर जी को नहीं समझ रहे, हम कितना समझ गए विष्णु। ये क्रिटिसिज्म का मार्ग नहीं है, महाप्रभु जी ने किसी को भी महाप्रभु जी ने क्रिटिसाइज करने की आज्ञा नहीं दी है। विष्णु
महाप्रभु जी ने 84 वैष्णव के द्वारा हमको एक एक बात, कौन से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना ये बताया है कि जब दामोदर दास संबलवाड़ा जी के यहां आप विराज रहे थे और उनके ससुर ने आकर बोला कि आप बाकी सब सेवा करो पर जल की सेवा अगर आप किसी सेवा से करवा लो, सेवक से करवाओ तो ज्यादा अच्छा है, तो दामोदर दास जी ने बोला कि नहीं, हम तो नहीं छोड़ सकते हैं सेवा, तो उन्होंने बोला कम से कम घर के स्त्रीजन से अगर आप ना कराओ तो ज्यादा अच्छा है। तब दूसरे दिन आचार्य चरण को बोला, प्रभु ऐसी बात है, अब मैं क्या करूं? तो बोले स्त्रीजन को एक बार बोल दो, अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो दोबारा नहीं बोलना। और दामोदर दास संबलवाड़ा ने जाकर बोला कि जल की सेवा का समय हुआ, चलो। बोले नहीं, आज हम बाकी सब सेवा आज से करेंगे पर जल की सेवा नहीं करेंगे विष्णु। और दोबारा घूम के दामोदर दास संबलवाड़ा ने आजीवन उनको नहीं बोला कि जल की सेवा में चलो। विष्णु ये 84 विष्णु हमको खोल के सब बताते हैं कि हमको किसी से सेवा संबंधी बात कितनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। हम 84 वैष्णव की वार्ता जी एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ रहे हैं। हाँ, उस वैष्णव ने ये किया, इस वैष्णव ने ये किया, अरे किसके लिए? गोकुलनाथ जी, हरिराय जी ने चुन चुन के प्रसंग क्यों उठा के, उनके जीवन से जो मेन मेन प्रसंग थे जो हमारे जीवन में काम आ सकते थे। वैष्णव, एक वैष्णव की वार्ता जी अगर हम जीवन में उसका सार समझ के उतार लेते हैं तो 1,00,000 योनि से हमको मुक्ति मिलती है। 84 वैष्णव की वार्ता जी को जो अपने जीवन में धारण करता है 84 लक्ष योनि से वो मुक्त हो जाता है। वैष्णव, ये वार्ता जी केवल स्टोरी नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये 84 वैष्णव जो है ये साक्षात जीवन को किस प्रकार जीना उसकी कला सिखाती है और ये कला कला निधि तक हमको पहुंचाती है। सेव्यमानं कला निधिम, इस कला निधि तक पहुंचना है तो 84 वैष्णव की वार्ता जी को जीवन में धारण करना पड़ेगा, जानने से कुछ नहीं होगा। वो वार्ता जी भी पता है, वो वार्ता प्रसंग को लेके खींचाता नहीं, नहीं नहीं ये नहीं लिखा, ये लिखा है, वो नहीं लिखा, अरे लिखा जो भी है, हमने किया क्या उस लिखे हुए में से, कितना हमने हमारे जीवन में धारण किया वैष्णव। तो यहां चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, चतुर्भुज दास प्रभु गिर धरन मिले जब ही तब ही सब सुख पाइए। जब तक प्रभु मिलेंगे नहीं तब तक सुख नहीं हो सकता है। वैष्णव, ये सुख का हमको एक सपना दिखता है कि ये करने से सुख मिल जाएगा, वो खाने से मिल जाएगा, ये पहनने से मिल जाएगा, ये हम एक अपने एक भ्रम जगत को जी रहे हैं। अगर ये संसार से सुख मिल जाता तो चतुर्भुज दासी को ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि चतुर्भुज प्रभु गिरि धरन मिले जब तब ही सब सुख पाइए। तभी सुख मिल सकता है जब हमको हमारे प्रभु मिलेंगे। विष्णु, इसी संदर्भ में प्रभु मिलते हैं उसके पश्चात क्या होता है? विष्णु, बड़ा सुंदर भोग के दर्शन का पद है कि जिसको भगवत प्राप्ति होती है, भगवत रस का अनुभव होता है, उसकी स्थिति कैसी होती है। बड़ा सुंदर चतुर्भुज दास जी का पद है, रस ही को प्रेम रस
चतुर्भुज प्रभु इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अभी प्रभु के कृपा से आम की बहुत सुंदर सीजन चल रही है, बड़े सुंदर आम के फल लेके आए ठाकुर जी के लिए विष्णु, और उसका रस बनाकर ठाकुर जी को अरोगाना है। तो उस आम के फल को क्या हम बड़े ही कोमल सिल्क के कपड़े से पैंपर करेंगे, उसको गुलाब की पत्तियों के बीच में रखेंगे तो रस निकल जाएगा, उसको हौले हौले छुएंगे तो रस निकल जाएगा? तो आम जैसे फल में से रस निकालना हो तो उसको कितना प्रेशर में आना पड़ता है, उसको हमारी मुट्ठियों के बीच से निकलना पड़ता है, तब वो अपनी गुठली और छिलके को छोड़कर रस अलग होता है। जिसको इस जीवन में रस का अनुभव करना है, इस संसार के भयंकर उतार चढ़ाव से अपने आप को निकालना पड़ेगा विष्णु। और जो फल को यूं ही रख दिया जाता है वो सड़ जाता है। जिन्होंने इस उतार चढ़ाव को सामना नहीं किया कि यही मेरे अंदर से रस को उद्दीपन करने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि अगर विपरीत परिस्थिति आएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मेरे में अभाव भरा है कि नहीं, मेरे में वासनाएं भरी है कि नहीं, मेरे में दूसरों के प्रति द्वेष भरा है कि नहीं। ये विपरीत परिस्थिति ही तो हमारे अंदर के जीव के दोष को जगा जगा कर दिखाते हैं कि ये परिस्थिति आई तो ये आया, परिस्थिति नहीं है तो हम तो बड़े संत बन के बैठते हैं, भगवदीय बन के बैठते हैं, हमको तो किसी के प्रति अभाव नहीं है, किसी का दोष हमको नहीं दिखता है, हमको किसी से ईर्ष्या नहीं है। पर जहां परिस्थिति थोड़ी इधर से उधर हुई नहीं कि अंदर का जीव भाव जागृत हो जाता है, विष्णु जिसको रस प्राप्त करना है उसको विपरीत का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर विपरीत में हमारे भाव कितने स्थिर रह रहे हैं उसका नाम रसिक विष्णु। रसिक बनना उतना आसान नहीं है, मीठी मीठी बातें कर लेना, ऊपरा ऊपरी सामाजिक मिठास लेके आना, उसको रसिक नहीं बोला जाता है विष्णु। श्री रसिक प्रीतम हित चित्त की बतियां गिरधारी जी सो कहिए, तो कि मेरे हित के चित्त की जो बातें हैं वो केवल गिरधारी से करे उसका नाम रसिक विष्णु, जन जन से करता फिरे उसका नाम रसिक थोड़ी है। विष्णु आज हमने एक बहुत सुंदर फल का रस निकाला, अब वो रस को किसी को प्रभु को भोग धराने के बाद प्रसाद बांट रहे हैं, और वो रस को दिया और रस जब मुंह में लिया जाता है और मुंह में रस रखना है, गले से उतारना नहीं और बात करनी है, हो सकती है संभव है कि रस को गिटना नहीं है पर बोलना है, और अगर मुंह में रख के रस को बोलने के लिए बोला जाएगा और बोलेंगे तो मुंह से रस के ही कुल्ले होंगे। वैष्णव जिसने भगवान एक साधारण मुंह में फल का रस गया है तो उसके मुंह से रस ही निकलने वाला है, तो जिसने भगवत रस का पान किया हो उसके मुंह से कठोर वचन कैसे निकल सकते हैं? वैष्णव नहीं निकल सकते और निकल रहे हैं पीड़ा के वचन, कठोर वचन, तो हम रस से वंचित है, अभी रस का पान नहीं किया है। विष्णु रस बोलना बहुत आसान है विष्णु, और रस का एक स्वभाव होता है जिस पात्र में ढालो ढल जाता है। विष्णु इतना फ्लेक्सिबिलिटी होती है रसिकों के अंदर में, भगवदियों के अंदर में, हर परिस्थिति में वो अपने आप को शीतल रखते हैं। रस किसी भी ग्लास में डालो, कटोरी में डालो, कहीं भी डालो, वो उसका स्वभाव शीतल है। एक रसिक को जिस परिस्थिति में भी रखा जाए वो शांत और आनंद में रहता है विष्णु, उसका नाम रसिक। ये रस की बेल कोई घर घर नहीं लग सकती है, ऐसे ही ये 84 252 नहीं बन गए हैं विष्णु, इन्होंने
कितनी कितनी साधनाएं तपस्याएं अपने जीवन में की है, किस प्रकार से परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने भाव को खंडित नहीं होने दिया है, अखंड रखा भाव को, तब उनकी गिनती रसिकों में आई है कृष्ण। इसलिए यहां छत्रपति दास जी कह रहे हैं, रस ही में वश की ने कुंवर कनाई, रसिक गोपाल रस ही रीजत, रस मिल रस तजमाई, प्रिय को प्रेम रस सुनियो है, रसीली बाल रस में वचन श्रवण सुखदाई। वैष्णव ऐसे ऐसे रसिकों के जो वचन होते हैं वो हमारे जीवन में सुखदाई अर्थात हितकारी बनते हैं। जब तक हित नहीं होगा जीवन में सुख नहीं आ सकता है। हमको तो ये अहित करो हमारा, पर हमारे साथ मीठा बोलो, तीखा कड़वा मत बोलो, भले अहित कर दो हमारे साथ। वैष्णव जीवन में हित चाहिए तो तीखा सुनना पड़ेगा। वैष्णव यहां क्लियर कह रहे हैं कि प्रिय को प्रेम रस सुनियो है रसीली बाल रस में वचन श्रवण सुखदाई, कि वो प्रेम जब सुना श्रीनाथ जी के कि श्री जी कितना प्यार करते हैं, तो जैसे ही वो प्रिया को प्रेम सखी मुख सुनियो, ये भी कुंज एकादशी की उस धमार में, प्रिया को प्रेम सखी मुख सुनियो तुरंत चली उठ धायरी प्यारी, राजभोग की धमार में ये बात है, तुरंत चली उठ जाए। जैसे ही श्रीनाथ जी के बारे में सुने कि श्रीनाथ जी कितना हमको लाड़ करते हैं, हमारे लिए श्रीनाथ जी कितना परिश्रम कर रहे हैं, जिस दिन ये एहसास हो जाएगा विष्णु, ये साधन की सेवा तत्सुख है, मैं नहीं बोलता कि नहीं है, कि उष्णकाल है तो खसके बंगले फूल बंगले, फूल की सेवा गुलाब जल के फुहारे लगाओ, ये तत्सुख है, पर उससे भी ज्यादा तत्सुख है कि मेरे प्रभु मेरे लिए कितना श्रम कर रहे हैं, उस पीड़ा में रहना ये तत्सुख है, कि मेरे प्रभु मेरे लिए कितना श्रम लेकर मेरे घर में विराज रहे। तीन लोक का अखिल भुवन पति जिसकी सेवा आचार्य चरण श्री विठलेश प्रभु चरण ने की, इतने लाड़ से रखा, वो स्वरूप हमारे घर में हमको सुख देने के लिए, मुझे तो आज तक अभी तक ये शब्द मेरे गले से नहीं उतरता कि ठाकुर जी को सुख हो ऐसा कार्य करे। मैं ऐसा कर कैसे सकता हूं कि प्रभु को सुख मिले? वैष्णव एक इंसान बहुत दुखी है और उसको बोलो कि तुम सबको सुख दो, वो कहां से देगा सुख? हम हमारे जीवन से दुखी है, हमारे परिवार से दुखी है, खुद के स्वभाव से दुखी है, हम एक एक रोवे से दुखी, और ठाकुर जी को सुख दे देंगे विष्णु? हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्रभु मुझे सुख देने के लिए विराज रहे हैं, कम से कम अब इतना ध्यान रखूं कि मुझे जो सुख दे रहा है मेरा नाथ, उसको मैं दुख ना दूं, कम से कम अपने स्वभाव अपने विचार अपने व्यवहार के कारण। यही मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी कि प्रभु को श्रम ना दूं, यही प्रभु की सेवा हो जाएगी। वैष्णव सेवा तो गोपीजन कर रहे हैं, सेवा तो 84-252 कर रहे हैं, गुसाई जी महाप्रभु जी गोकुलनाथ जी हरिराय जी कर रहे हैं। वैष्णव हम सेवा क्या करेंगे? वैष्णव हम तो हाथ पवित्र भी नहीं कर सकते, ये तो केवल महाप्रभु जी की कृपा है कि स्वरूप के सन्मुख खड़े होने का सौभाग्य और अधिकार दोनों दे दिया है वैष्णव। इसके पश्चात जो इस प्रकार के रस को पा जाता है, हर स्थिति में अपने आप को केवल और केवल अपने पिया के सुख की सिरानी, अपने पिया के चिंतन में जो डूबा पड़ा है, उसको कोई अनुभव नहीं होगा कि सुख है कि दुख है, वो तो अपने प्रिय के रस में मग्न रहता है। ऐसी जिसकी स्थिति होती है उसको आगे क्या सुख मिलता है, चतुर्भुज दास जी हमको अगले पद में बता रहे हैं। विष्णु Thank you.
सच में मैं तहे दिल से कह रहा हूं, इसकी दो पंक्ति जरूर से याद करिएगा। किसी के पास पद ना हो तो अपना फोन नंबर डाल दे, मैं उसको स्कैन करके भेज दूंगा। पर ये दो पंक्ति याद करने जैसी है जीवन में। ये जीवन में अगर ये दो पंक्ति हृदयारूढ़ हो गई तो हमारे जीवन का 80% टेंशन खत्म हो जाने वाला है। कैसे आप बोलेंगे कि चतुर युवती गवनत पिय पैमन। विष्णु, किसी स्त्री का पति साल दो साल से बाहर गांव गया है और वो आया, आज ही आया है, और उस समय में मेरा जैसा कोई प्रपंची इंसान उस स्त्री के पास पहुंच गया जिसके पास जिसका पति आया और उसे बहुत बातें करना चाह रहा है। वो स्त्री क्या करेगी, मेरे से बातें करेगी कि अपने पति के लिए वो मेरे को इग्नोर करके मेरे अपने पति के पास चली जाएगी? विष्णु, वो सीधा मेरे को नकारेगी और चली जाएगी। तो ये बोलेगी कि मैंने तो आज कितना बड़ा त्याग किया, मैंने प्रपंच नहीं किया, मैंने कितना बड़ा त्याग किया, आज तो मेरे पति के लिए, पति को पाने के लिए मैंने प्रपंच को छोड़ा है। ऐसा त्यागी तो संसार में कोई नहीं होगा। क्या वो ये फील करेगी विष्णु? जब एक साधारण पति, शरीर का पति आता है तो वो प्रपंच को छोड़ती है तो उसको लगता नहीं है कि बहुत बड़ा त्याग किया। हमको शिना जी जैसे पति को मिलना और प्रपंच को छोड़ते हैं तो हम समझ रहे हैं बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं हम। विष्णु कहां भ्रमित है, अभी तक तो शिना जी हमको पति लगे नहीं है और हमको हजारों साल से हम उससे बिछुड़े हैं, ये अनुभव नहीं है। इसीलिए हमको प्रपंच छोड़ना पड़ता है तो हमको लगता है बहुत बड़ा काम हो रहा है, हमने प्रपंच छोड़ दिया। अरे पर किसके लिए, जिसके हजारों साल से तप रहे हैं, या तो तप ही नहीं रहे थे। विष्णु, वो स्त्री दो साल तक पति से नहीं मिली तो वो एक सेकंड में प्रपंच छोड़ दी, उसने झांक के नहीं देखा। जिसको श्रीनाथ जी रूपी पति से मिलना हो वो प्रपंच का त्याग नहीं करता है, उसको प्रपंच में दिखता ही नहीं है कुछ इन्वेस्ट होने जैसा कि बोले इसमें इन्वेस्ट क्या होना है। इसको चतुराई कहते हैं विष्णु। Chaturbhuj Prabhu।
चलिए कल काफी वैष्णव ने बोला, कोई बात नहीं, आनंद लेते हैं। वैष्णव, अनंत जन्मों से हमारे कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण बना एक स्वभाव हमारा, जिसमें प्रपंच जो है वो सहज हमसे होता है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। अब इस स्वभाव से निवृत्ति कैसे हो, इसको समझने के लिए वैष्णव, जब बादल होते हैं जल से लबालब भरे होते हैं, आपस में टकराते हैं तो उसमें से बिजली का उद्गम होता है विष्णु, और ये बिजली जो है ये स्वामी जी के विरह का स्वरूप है विष्णु। अर्थात दो रसिक जब आपस में मिलते हैं और वो रसिकों की जब चर्चना होती है, उसमें जो गर्जना होती है, उसमें जो पुकार निकलती है, उसमें जो ताप निकलता है विष्णु, और वो बिजली जिस जगह जमीन पे गिर जाए, 100-200 साल तक वो जमीन बंजर हो जाती है। जब भगवदियों के इस प्रकार तापात्मक वचन, इस प्रकार रसात्मक वचन, इस प्रकार विरह से सराबोर वचन जब हमारे जैसे अंतकरण की जमीन पर पड़ते हैं, यहां पर काम वासना प्रपंच की खेती बंजर हो जाएगी वैष्णव। ये रसिकों की वाणी सुनने से, हजारों जन्म से बना जो स्वभाव है, वो स्वभाव की जमीन हमारी बंजर हो सकती है। उसके बाद इसमें जो है प्रियतम के प्रेम रूपी बीज लगाए जाएंगे और उसकी खेती आएगी, तब जाकर चतुर युवती गवनत पिया पैवन। विष्णु, एक विष्णु राजकोट के, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने भी कल मेरे को बोला, और हमारे कलकत्ता के एक सुधा जी दमानी, उन्होंने भी बोला कि भैया इतने सारे आश्रय के पद है, तो रोज एक आश्रय का पद तो है ही दृढ़ इन चरणन, पर उसके अलावा कोई नए पद लिए जाए तो अच्छा है। इसी प्रकार किसी भी वैष्णव को कोई भी मनोरथ हो, अगर मेरे से पूरा कर सकता हूं मैं जरूर कोशिश करूंगा, तो अपने मनोरथ को उस SMS में डाले वैष्णव, और अपना फोन नंबर बता दे कि ये मेरा है और ये मेरा मनोरथ है। जरूर नंदन भैया और हम मिलके इसको करने की कोशिश करेंगे वैष्णव। Thank you.
कृष्णा जी प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, सर्वे विष्णु ने जय श्री कृष्ण। विष्णु, कल शाम को अपन ठाकुर जी के सातवें दर्शन के लिए, सातवें दर्शन की चर्चा जो संध्या आरती के दर्शन है उसके दर्शन की लीलात्मक भावात्मक चर्चा के लिए रात्रि 9 बजे नंदन पेज के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मिल रहे हैं। तब तक वाणी को विश्राम देते हुए और एक सूचना मुझे देनी थी वैष्णव, मैं 2 दिन से भूल जा रहा हूं। मैं करबद्ध आप सबसे विनंती करता हूं, मैं न कोई शास्त्री हूं, न मैं कोई पंडित हूं, न मैं कोई ज्ञानी भी हूं, वल्लभ कुल तो बहुत दूर की बात है वैष्णव, मैं बहुत साधारण एक शिनाथ जी के सेवक का सेवक हूं, दास का दास हूं। मेरे लिए वचनामृत, दंडवत, प्रणाम, ये सब शब्द गुरुचरणों के लिए होते हैं, मेरे लिए नहीं है। मैं करबद्ध विनंती करता हूं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब इस प्रकार के शब्द इस पामर तुच्छ शरीर के लिए बोले जाते हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि ये मेरी पात्रता नहीं है। मुझे वैष्णव इतना मेरे पे कृपा रखें कि इस तरह के शब्द जो है वो गुरुचरणों के लिए आदरणीय जो शास्त्री होते हैं, पंडित होते हैं, वल्लभ कुल होते हैं, उनके लिए है। न मैं वचनामृत करता हूं, न मुझे दंडवत करें, मैं बहुत साधारण सा एक वैष्णव हूं। वैष्णव मुझे वैष्णव रहने दे, मेरे को मेरा पतन न हो जाए इस तरह के शब्दों को सुनकर, मेरे पे इतनी कृपा रखें, इतनी परीक्षा मेरी न लें कि कहीं मेरे अंदर में छुपा अहंकार हो, इस प्रकार के शब्द सुनूं और मैं अपने आप को मान लूं कि मैं कितना बड़ा हो गया। मुझ पे कृपा करें, इससे मुझे वंचित रखें विष्णु, इस तरह के शब्दों मेरे को न उपयोग करें। इस कठोर वचन के लिए क्षमा चाहता हूं, पर विष्णु मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। जय श्री कृष्ण, प्रणाम कर रहा हूं।